बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम। हजरत यूशे अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम फरामोश कर बैठे। उन्होंने दीन से इन्हेराफ करके तरह तरह की बिदअतें अख्तियार कर ली। बुतों की पूजा दोबारा शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम उन्हें रोकते और तंबीह करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज न आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनमें नबुवत का सिलसिला मुनकते करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर कौम अमालिका काबिज हो जाती, तो कभी फलस्तीनी हमलावर होते, तो कभी आरामी। ये बनी इसराइल के लिए बड़ा आजमाइश का दौर था। उनमें कोई नबी था और न सरदार। ऐसे में मिस्र और फलस्तीन के दरमियान बहरे रूम में आबाद कौम अमालिका के एक जालिम जाबिर और सफाक बादशाह जालूत ने हमला करके उनकी आबादियों पर कब्जा कर लिया। बहुत से सरकर्दा अफराद कत्ल कर डाले और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद को गुलाम बनाकर कैद कर लिया। ताबूत सकीना मुशरिकीन के कब्जे में। बनी इसराइल जब हजरत यूशे अलैहिस्सलाम के साथ वादी तिया से निकले थे, तो उनके साथ ताबूत सकीना भी था। ये वो संदूक था जिसमें आसाए मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पैरहन, पगड़ी, पोशाक, तौरात का असल नुस्खा, मन का मर्तबान और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के दीगर मुतबर्रिकात मौजूद थे। बनी इसराइल का अकीदा था कि जब तक ये मुकद्दस संदूक उनके पास मौजूद है, वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। लेकिन फलस्तीनी मुशरिकीन ने एक खूनरेज जंग के दौरान बनी इसराइल से ये संदूक छीनकर अपने बैते दजून नामी मंदिर में रख दिया। ये मंदिर उनके सबसे बड़े देवता दजून के नाम से मौसूम था। पत्थर के उस देवता का सर इंसानी शक्ल और धड़ मछली से मुशाबे था। नजार मिस्री के मुताबिक फलस्तीन के मशहूर शहर रमल्ला के करीब आज भी एक बस्ती दजून के नाम से मौजूद है, और गालिब इम्कान यही है कि तौरात में दजून के जिस मंदिर का जिक्र है, वो इसी जगह पर वाके था। इब्न जरीर फरमाते हैं कि अहले गजा और अहले अस्कलान ने उनसे ताबूत सकीना छीनकर ऐसा कर दिया था जैसे चरवाहे के बगैर बकरियां। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की पैदाइश, नस्ब और बेसर। बनी इसराइल तालूत की बादशाही में जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहे थे। खानदान नबुवत का कोई भी फर्द जिंदा न बचा था, सिवाय एक गरीब औरत के जो हामिला थी। अल्लाह ने उस औरत को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम शमूएल रखा गया। शमूएल इब्रानी जुबान का लफ्ज है, जिसके अरबी में मानी है इस्माइल। वालिदा की ख्वाहिश थी कि शमूएल तौरात के आलिम बनकर बनी इसराइल को दीन हक की तालीम दें। चनाचे आप अलैहिस्सलाम जरा बड़े हुए तो वालिदा ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग और साले शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप अलैहिस्सलाम जल्द ही तौरात के एक बड़े आलिम और फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे बाद हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम न थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने दर्स व तबलीग और वाज़ो नसीहत शुरू की, तो जालूत और दीगर अकवाम के जुल्म व सितम ने उन्हें हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द, खैरख्वाह और निजात दहिंदा समझने लगे थे। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से ये दस्तूर था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत और इंतजामी मामला चलाते, जबकि काजी और मुनसिफ की हैसियत से तमाम अदालती फैसले नबी और उनके मुकर्रर करदा काजी सर अंजाम देते। इस तरह गोया तालीम और तरबियत, दावत और तबलीग, वाज़ो नसीहत और दीनी और अदालती तमाम उमूर की निगरानी का फरीजा नबी के जिम्मे था। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तारीख इब्न कसीर में आप अलैहिस्सलाम का नस्ल यूं तारीर है: शमूएल बिन बाली बिन अलकमा बिन यरकाम बिन यहू बिन तहू बिन सौफ बिन अलकमा बिन मबाहिस बिन अमूसा बिन अजाया। अलामा इब्न जरीर के मुताबिक हजरत यूशे अलैहिस्सलाम की वफात और हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की बेसत के दरमियान 460 साल का फासला था।
बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त। बनी इसराइल जालूत की सख्तियों, दीगर अकवाम की लूट मार और कैदियों जैसी जिंदगी से तंग आ चुके थे, जिसका जब दिल चाहता उन पर चढ़ाई कर देता। ख्वातीन को तंग करना और नौजवानों को गुलाम बना लेना आम आदत थी। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के दरस व तबलीग और वाज़ो नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी। तो एक दिन बनी इसराइल के बुजुर्ग हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें, पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहलू तही करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। दरअसल हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफी से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे, उसी तरह जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। और जब हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बड़ों से जिहाद के लिए कहा तो वो मौत के डर से शहर से बाहर वादी में जाकर छुप गए थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज्यादा जलील और रुसवा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं, अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह की राह में दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। हजरत तालूत बादशाह मुकर्रर। बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को हर तरह से इत्मीनान दिला दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें वही के जरिए मुतल्ले फरमाया कि हमने बनी इसराइल में से एक इल्मी और जिस्मानी लिहाज से मौजूं और ताकतवर शख्स तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तालूत का नाम सुनते ही सबके रंग फक हो गए, वो समझते थे कि उनमें से किसी अमीर को बादशाह बनाया जाएगा। उन्होंने हैरत और ताज्जुब से कहा, तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है, वो तो निहायत गरीब शख्स है। कुरान करीम में इरशाद है और पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले, उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है, उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोष भी बड़ा अता किया है और अल्लाह को अख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे, वो बड़ा ही कुशादगी वाला और इल्म वाला है। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत ही को चुना है जो इल्म में और ताकत और कुव्वत में तुम सबसे बेहतर है। हजरत तालूत कौन थे? हजरत अकरमा और हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालूत सक्का थे, यानी पानी पिलाने वाले। हजरत वाह बिन मुनब्बे फरमाते हैं कि वो खालों को खुश करके चमड़ा बनाने का काम करते थे, इसी वजह से बनी इसराइल ने एतराज किया कि वो तो निहायत गरीब हैं, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के एतराज की एक वजह ये भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वो आले लावी से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से थे और तालूत का ताल्लुक आले बिन्यामीन से था। अल्लामा सालबी ने हजरत तालूत का नस्ब यूं बयान फरमाया है, तालूत बिन कैश बिन अफील बिन सारू बिन तहुवत बिन अफी बिन अनीस बिन बिन्यामीन बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मुकद्दस संदूक की वापसी। बनी इसराइल तालूत की बादशाह तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे, आखिरकार उन्होंने एक शर्त लगाई और हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने हम पर हाकिम मुकर्रर किया है तो इस बात की सदाकत के लिए हमें कोई निशानी दिखाओ। कुरान करीम में इरशाद बारी तआला है,
और पैगंबर ने उनसे कहा, उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीजें होंगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। ये संदूक ताबूत सकीना था जिसकी वापसी के बारे में तौरात में तहरीर है कि फलस्तीनियों ने ताबूत सकीना को अपने देवता दजून के पहलू में रख दिया था। जब वो सुबह अपने माबूद के पास आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि देवता ऊंधा पड़ा है। वो हर सुबह इबादत से पहले उसे सीधा करते लेकिन दूसरे दिन फिर उसे ऊंधा गिरा पाते। इसी असना में एक और नई बात ये हुई कि उनके शहर में लाताद चूहे पैदा हो गए जिन्होंने उनके मालो असबाब और गले को तबाह कर दिया। फिर उनमें ऐसी वबा फैल गई जिससे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ। इस सूरत हाल से निमटने के लिए कानू और नजूमियों को जमा किया गया जिन्होंने बताया कि कौम पर नहुसत उस संदूक की वजह से है, लिहाजा उससे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करो। इसकी सूरत ये है कि सोने के साथ चूहे बनाए जाएं, जिन्हें एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए, फिर गाड़ी में दो गायें जोती जाएं और उनको बस्ती के बाहर छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह की कुदरत के गायें संदूक वाली गाड़ी को लेकर खुद ब खुद बनी इसराइल की बस्ती की तरफ चल दी जहाँ से यहूदी संदूक को बड़ी इज्जत और एहतराम से ले गए। ताहम कुरान करीम के मुताबिक फरिश्तों ने उस संदूक को बनी इसराइल तक पहुँचाया। बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश न रही, चनाचे उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर ली। एक और इम्तिहान, हजरत तालूत ने बादशाह बनने के बाद कौमे अमालका के जालिम और जाबिर बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हजरत तालूत को बनी इसराइल के कौल और फेल के तजाद का इल्म था। जब वो उन्हें लेकर नहर उर्दन के किनारे पहुँचे तो कौम से फरमाया, अल्लाह एक नहर के पानी से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, बस जो शख्स उससे सैराब होकर पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा और जो कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो कोई बात नहीं। तो जब ये लोग नहर पर पहुँचे तो चंद अफराद के अलावा सब ने पानी पी लिया। फिर जब ये नहर के पार पहुँचे तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। इस तरह बनी इसराइल की गालिब अक्सरियत हजरत तालूत से अलग हो गई। जिन लोगों ने सब्र तहमुल का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमीर की इताअत की थी और पानी नहीं पिया था उनकी तादाद मुफस्सरीन ने 313 तहरीर की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है कि हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि बदरी सहाबा की तादाद सिर्फ असहाबे तालूत के बराबर है जिन्होंने नहर पार की थी। जालूत का कत्ल और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शुजात, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल आए तो अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार हम पर सब्र के दाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और कुफार पर फतह याब कर। तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको हजीमत दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाहत दी और दानाई बख्शी। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लश्कर में शामिल एक नौजवान थे जो अपने 13 भाइयों में सबसे छोटे थे। एक दिन तालूत ने बनी इसराइल को जिहाद की तरगीब देते हुए फरमाया, जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे अपनी सल्तनत में भी शामिल कर लूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो जालूत को कत्ल करने का अज़्म कर लिया। आप अलैहिस्सलाम गुलेल से पत्थर फेंकने के माहिर थे, चनाचे तालूत से लड़ाई की इजाजत चाही। तालूत ने शुरू में तो ना तजर्बा कार समझ कर मना कर दिया लेकिन फिर उनके ज्यादा इसरार पर इजाजत दे दी। दोनों जानब की फौजें सफ आरा हुई, एक तरफ कुफार की फौज थी तो दूसरी तरफ सिर्फ 313 अहले ईमान।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में आगे बढ़कर जालूत बादशाह को ललकारा। जालूत एक भारी भरकम डेढ़ डोल का मालिक, निहायत मजबूत, तवीलुल कामत और लहीम शहीम शख्स था। उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हकीर सा नौजवान समझकर नजरअंदाज कर दिया और बोला, जा वापस चला जा, मैं तेरा कत्ल पसंद नहीं करता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मगर मैं तेरा कत्ल पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी गुलेल में 3 पत्थर रखकर पूरी कुव्वत जालूत की जानिब फेंके, जो जालूत के सर पर गोलियों की तरह लगे और उसका सर पाश पाश हो गया। ये मंजर देखकर जालूत की फौज बदहवास होकर भाग निकली और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का सर कलम कर दिया। यूं हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की मेहनत और कोशिशें रंग लाई और बनी इसराइल को तवील मुद्दत के बाद दोबारा फतह नसीब हुई। इस कामयाबी के कुछ अरसे बाद हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम वफात पा गए।